आज हम लोग हैं दिल्ली सचिवालय के पास और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। हमारे साथ देशराज जी हैं जो LDF ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और गीता रानी जी हैं एडवोकेट डॉक्टर देशराज जी, मुकेश जी भी हैं हमारे साथ। और देशराज जी, आज ये जो बड़ा आंदोलन चल रहा है, किस लिए चल रहा है वो बताएं। इस देश में सुरेंद्र भाई SM न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, आज इस देश के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो सेक्रीफाइस, तो हमारे लिए जो उन्होंने अपना ज़िंदगी का कुर्बान किया, परिवार, अपना समाज, अपना घर, अपनी सुख सुविधाएं, उस महापुरुष के काम को और उसके नाम को और उसके इतिहास को आज इस देश के अंदर हुक्मरान जो ताकतें हैं वो उसको डेसिमेट करना चाहती हैं, उसको शून्य से भी उससे नीचे करना चाहती हैं, किसी भी तरीके साजिश करके प्रतिमाओं पर या उसके इतिहास पर या भारतीय संविधान पर या बाबा साहब के नाम से कोई ना कोई ऐसी जो ना नई तरह की संस्कृति रच के ढोंग ड्रामा करके इस देश के अंदर, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो इस देश के आने वाले समय में हुक्मरान बन सकते थे, जो बाबा साहब का आदेश था, आज उन लोगों को कहीं ना कहीं साइडलाइन करके उनको दोबारा से गुलाम बनाने की जो साजिश हो रही है, उसके लिए विशेष मुद्दा एक है देवली पहाड़ी का, बात सही है, हम उसके समर्थन में आज रोड पे आए हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे देश के अंदर लाखों मुद्दे हैं, गांव गांव में, देहात देहात में, शहर शहर में, दिल्ली में, पूरे देश के अंदर ऐसे मुद्दे हैं जहां बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है, जहां भारतीय इतिहास को और संविधान को खत्म किया जाता है, जहां हमारे बहन भाइयों पर जो गाँव देहात में रहते हैं अत्याचार बलात्कार होता है, ये क्या है, यही देश के अंदर इस देश की संस्कृति को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए जो भी साथी बाबा साहब के नाम को और आंदोलन को आगे लेके आएगा, उसके लिए LDF की टीम, डॉक्टर देशराज और एडवोकेट गीता रानी और सारी टीम हमेशा तैयार रहेंगे और हमेशा रहते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता गीता जी भी हैं। गीता जी, एक बात बताइए, जितने भी अधिकतर जुल्म होते हैं वो बहुजन समाज के लोगों पे ही क्यों होते हैं, चाहे उनकी मूर्ति तोड़ना हो या उनके साथ शोषण बलात्कार जैसे काम हो, ऐसा सबसे ज़्यादा जो होता है बहुजन समाज के साथ ही क्यों होता है? देखिए, ये तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जो हमारे देश का जो इतिहास है वो दो विचारधाराओं पे चलता है, एक है ब्राह्मणवादी व्यवस्था और एक है श्रमिक व्यवस्था, जिसमें हम श्रमिक लोग आते हैं जो श्रम करते हैं, लेकिन धोखे से इन्होंने षड्यंत्र के थ्रू सत्ता को हाथ से छीन लिया। जब इन्होंने सत्ता को हाथ से छीन लिया तो नेचुरल है ये हम लोगों पर जुर्म करेंगे, इसीलिए ये बहुजनों पर जुर्म करते हैं कि अगर बहुजन समानता के स्टेटस में आ जाता है, अगर वो एजुकेट हो जाता है, अगर वो अपने हक अधिकारों को जान जाता है, तो फिर इनकी सत्ता चली जाएगी, इसलिए ये अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इन पर रात और दिन जुल्म करते हैं। अब देखिए, विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, मुद्दा क्या होना चाहिए था, सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था EVM का, लेकिन ये सरकार, ये भारत की सरकार, मैं कहती हूँ दिल्ली सरकार ही नहीं, भारत की सरकार एक निकम्मी सरकार है जो लोगों को भड़काती है और लोगों को मुद्दों से हटाकर उनको ऐसे ऐसे मुद्दों में उलझाती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाए, वो उनको ऐसे मुद्दों में लगाती है, जबकि आज देखा जाए तो EVM का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये लोग ऐसे करेंगे, ये कभी आज यहाँ मूर्ति तोड़ेंगे, आज दूसरी जगह मूर्ति तोड़ेंगे, कभी गढ़गावा में मूर्ति तोड़ेंगे, कभी छतरपुर में मूर्ति तोड़ेंगे, इससे क्या होगा कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाएगा और ये लोगों का ध्यान भटकाकर EVM के सहारे से अपनी सरकार फिर से बनाएंगे। मैं तो बहुजन समाज से भी ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आप इस चीज़ को समझो, आप आंदोलन करो, हमें बाबा साहब की प्रतिमा ना टूटे इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये इस चीज़ से इलेक्शन में फ़ायदा ना उठा लें। हमें याद रखना चाहिए, हमें इस निकम्मी सरकार को जट से खदेड़ना है और जट से खदेड़ते हुए यहाँ से बाहर ही नहीं बल्कि इनको भारत से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। दिल्ली सरकार बताते हैं बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ये बढ़िया काम यही वाले हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़कर ये बढ़िया काम हो रहे हैं, उसके बारे में बताएं। सर, ऐसा है कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं हम लोगों का हमेशा शोषण ही हुआ है, और हम जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उन लोगों को हमेशा दबाया और कुचला जाता है। हालात ऐसी हो रही है कि जो भी गवर्नमेंट, यानी कि चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, उनका एक ही टारगेट रहता है कि दलितों को किसी तरह से सिर्फ इनको बेवकूफ़ बना के हमें वोट लेने का काम किया जाए, और जो मेन जो स्ट्रीम होती है, जो मेन चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पर ध्यान को भटकाने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं, जिससे कि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, जो उनका जो मेन, जैसे अभी हमारी बहन ने बताया कि EVM का जो मुद्दा है उस पर किसी का ध्यान ना जाए। पूरे देश में 350 सीट BJP इस बार लेके आई, और ये 350 सीट की जो घोषणा थी उसने शायद चुनाव से 2-3 महीने पहले ही कर दी थी, और ये एक मैनिपुलेटेड, एक तरह से इनका बिल्कुल प्री प्लान था कि हमने 350 सीट लेके आनी है, और वो कैसे लेके आनी है उस चीज का हालात आपको पता है। तो जनाब, हमारे साथ देशराज जी भी हैं। देशराज जी, एक बात बताइए, काशीराम साहब का एक नारा था 1585 का, तो 1585 का जो नारा था वो क्या था, और दूसरा ये 85% जिसे काशीराम साहब ने बोला वो सत्ता में कब आएगी, उसके बारे में बताएं।
देखिए अगर मैं सही मायने में खुल के बात करूं, फ्रेंकली बात करूं, 85% का नारा बाबा कमांडर काशीराम ने बहुत दूरदर्शिता दिया था, जिसमें जातियों का समीकरण की बात की थी कि देश के SC ST OBC के लोग अगर इस देश के अंदर एक हो जाएं माइनॉरिटी को मिलाकर तो आप 85% बनते हो। लेकिन इस देश के अंदर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे लोग जाति से इतने तरह चिपके हुए हैं, इतने ज़्यादा जातिवादी हैं, इतने ज़्यादा परिवारवादी हैं, इतने ज़्यादा घमंडी और स्वार्थी हैं कि वो दूसरे भाई को साथ नहीं लेना चाहते हैं, किसी को हक नहीं देना चाहते हैं, अपने साथ खड़ा करना नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ, कौन से 85% की बात कर रहे हो, मैं 85% की बात करता हूँ। आज भी इस देश के अंदर अगर इस देश के अंदर वो वर्ग जो गरीब है, वो वर्ग जो शोषित है, वो वर्ग जो वंचित है, वो वर्ग जो इस देश के अंदर जिस अल्पसंख्यक है, वो वर्ग जो मजदूर है, वो वर्ग जो किसान है, ये सारा वर्ग मिलाकर आप देखिए ये सभी लोग जो हैं तीन वर्गों के विपरीत हैं। कौन सा वर्ग है? एक पूंजीवादी जो उद्योगपति चलाता है, एक जमींदार जिसके पास जमीन है काम करता है, और एक देश के अंदर जो ठेकेदार है। ये तीन लोग हैं जो मालिक हैं, बाकी सभी लोग तो देश के अंदर गुलाम और जो है ना मजदूर हैं। यहाँ के अंदर किसान और मजदूर और दलित और शोषित लोग हैं। मैं इनको 85% में काउंट करता हूँ, क्योंकि जात की कंसेप्ट इस देश के आदमी के अंदर मुझे नजर नहीं आ रही है। ये अगर मिल जाए तो 85% है, नहीं तो जात तो सिर्फ इस देश के अंदर 15% बाकी हैं, जो SC में जो है ना 5-7% लोग जो आगे हो गए हैं उनको अगर हम निकाल दें, SC ST मिला के 25% हम लोग बनते हैं, और उसमें से 8% लोग जो हैं जो डेवलप हो चुके विशेष जाति के लोग उनको निकाल दें, तो नहीं तो 15% ही लोग बचे जाति के नाम पर, तो जिनका विकास होना चाहिए, जिनको हम अल्पजन कह सकते हैं। और अगर 85 की बात करते हो तो वो होने चाहिए जिसमें गरीब, मजदूर, खलिहान, आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और देश के अंदर हिस्सा मांगना चाहता है, जिनको हम उस दिन इकट्ठा कर लेंगे तो 85 की लड़ाई हम साकार कर देंगे। आज हमारे साथ समाज सेवी देशरा जी, गीता जी, मुकेश जी, जो समाज के लिए बहुत सुबह शाम लगे रहते हैं और दिन रात एक कर रखा है LDF अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो पूरे देश के अंदर जाके लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर 85% एक हो जाए तो देश के अंदर किसी और की ज़रूरत नहीं है, और सरकार भी बनेगी तो बहुजन समाज की बनेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।